DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। जब से इस कोरोना महामारी के चलते विद्यालय में अवकाश घोषित किए गए, तभी से माननीय मंत्री महोदय की पहल से हमारे शिक्षा विभाग ने एक स्माइल प्रोजेक्ट योजना प्रारंभ की, जिसको आज एक महीना पूरा हो गया। आज इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने भी समीक्षा भी की है, नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत ई कंटेंट स्टेट लेवल से जिले लेवल पे जिला के जो अधिकारी हैं CDO ADPC उनके पास आता है वो ई कंटेंट, और ई कंटेंट को है वो ब्लॉक में भेजा जाता है। ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से संबंधित स्कूल के जो भी ग्राम पंचायत का PO है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, और वहाँ से शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों के या उनके अभिभावकों के जो ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें वो कक्षा वाइज सामग्री भेजी जाती है। बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी उनके स्तर की शिक्षण सामग्री है उसका इन अवकाश के दौरान है वो उपयोग करते हैं। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो कोरोना के चलते विद्यालय में अवकाश रहा, विद्यालय बंद रहे, ताकि बच्चों का शिक्षण के प्रति जुड़ाव बना रहे और बच्चे घर पे बैठे बैठे भी कुछ न कुछ वो अपना ज्ञान अर्जन कर सके, इस उद्देश्य को लेके ये स्माइल प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसमें कक्षा स्तर के अनुसार अध्ययन सामग्री है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाती है, उसका लिंक भेजा जाता है, और YouTube के माध्यम से उसको बच्चे लाभान्वित होते हैं। कौन सी क्लास से? एक से लेकर 12 तक के सभी कक्षाओं के बालकों के संबंध में अध्ययन सामग्री आती है। इसके साथ ही हमारे विभाग ने माननीय मंत्री महोदय की पहल से रेडियो प्रसारण के लिए भी एक शिक्षक वाणी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार के जो जनसंपर्क सूचना मंत्रालय मंत्री महोदय हैं उनसे संपर्क करके और माननीय मंत्री जी ने रेडियो प्रसारण है वो शुरू करवाया गया है, और ये भी 55 मिनट का प्रतिदिन प्रसारण किया जाता है। उसमें भी बच्चे हैं, अगर व्हाट्सएप नहीं है, रेडियो है, तो आकाशवाणी के माध्यम से भी उसको सुन सकते हैं।